हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और आज है दिन मंगलवार और यहाँ पे चल रही है मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग। तो यहाँ मेरा मॉर्निंग का रूटीन चालू हुआ है सुबह सुबह से। तो अभी मैंने लगाई है बेडरूम की झाड़ू, बेडरूम की सफाई की है। और ये सब अयान के काम होते हैं, जितने भी डब्बा डिब्बी बीच बीच में रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं। और ये है इनकी किताब, रात में पढ़ वढ़ के सोए थे, मतलब एनिमल्स वाली, और उसी बैग में रख देते हैं। इनका बैग है, उसके अंदर छोटी सी बुक है, चटकनी वाला बैग है। जैसे हम लोगों का नहीं होते तो छोटे छोटे दो चटकनी वाले पहले बैग आया करते थे, जो पिट्ठू बैग हम टांग के जाते थे, वैसे इनका छोटा सा चटकनी वाला बैग है। तो यहाँ पे अभी मैंने डस्टिंग की है, उठेगा वैसे ही देखेगा अपना बैग कहाँ है, क्योंकि ये रात में रख के सोया था। और यहाँ पे मैंने एक कोरियर मेरा आया हुआ था, जो कि 8 से 10 दिन से बाहर रखा है टेबल में, मतलब क्योंकि कोई भी सामान बाहर का आता है तो मैं उसे पहले बाहर ही क्वारंटाइन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपना एक कोरियर खोला है, मैंने कुछ मंगवाया है उसमें, क्योंकि अभी तक मैं सब्जियों को या तो बेकिंग सोडा से धुल रही थी, या नमक के पानी से, या हल्दी के पानी से, कभी गर्म पानी से, और कभी सब कुछ डाल दे रही थी। मतलब एक कंफ्यूजन रहता था कि मैं सब्जियां धुलूं तो धुलूं कैसे। तो मैंने आज एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मंगवाया है जिसने कि मेरी सारी ये प्रॉब्लम्स खत्म कर दी है कंफ्यूजन वाली। तो ये है स्टेरिओल वेजिटेबल्स फ्रूट वॉश, मतलब इससे सब्जियां और वेजिटेबल्स को साफ कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये ना जितने भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, जर्म्स, कीटाणु, जीवाणु, धूल, मिट्टी, जितनी भी सब्जियों की गंदगी होती है सबको क्लीन कर देता है और सब्जियों की लाइफ को बढ़ा देगा, मतलब सब्जियां हमारी ज्यादा दिन तक फ्रेश रह पाएंगी। तो आज के टाइम पे जैसा कि देख रहे हैं कि सब्जियों को वॉश करने में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो ये हर घर के लिए जरूरत की चीज है, क्योंकि ये 99% सब्जियों को पूरी तरीके से जीवाणु रहित कर देता है। तो यहाँ पर सब्जियों को धोने के लिए मैंने लिया है एक भगोने में पानी, और आधा लीटर पानी में 10 ml करीब 2 चम्मच के हिसाब से हम ले लेंगे सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर हम पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में सॉल्यूशन भी बढ़ा लेंगे। उसके बाद में जिन सब्जियों को हमें धोना है उनको 1 मिनट तक के लिए इसी पानी में डुबो कर रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि सब्जियों की सतह पे एक किस तरीके से वाइट वाइट हो रहा है, पानी काफ़ी मैला हो गया है। इससे ये पता चलता है हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से वॉश हो रही हैं। उसके बाद में नॉर्मल पानी से इनको एक बार अच्छे से धो लेना है, सब्जियां कितनी क्लीन लग रही हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ये नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली, रंगहीन, स्वादहीन सॉल्यूशन है, जिससे कि इसका असर सब्जियों के फलों के स्वाद पे नहीं पड़ता है। और ये 100% जो नेचुरल फूड वॉश है, जिससे कि हमारी हेल्थ के लिए ये पूरी तरीके से सेफ है। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये 100% नेचुरल हैं। इसमें प्यूरीफाइड वाटर, सीट्रेट एसिड, सोडियम साइट्रेट, सी सॉल्ट, सोडा बाइकॉट, विनेगर, ये सब नेचुरल इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसका जो प्राइस वगैरह है और लिंक है प्रोडक्ट की, वो मैं सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से जाके आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बाद ये जो मैंने उस दिन सॉल्यूशन बनाया था विनेगर, शैम्पू और पानी से मिला के, जिससे कि जितने भी दाग धब्बे लगे होते हैं वो सब बहुत आसानी से छूट जाते हैं, जैसा कि मैंने उस दिन सारे साफ़ किए थे इसी से। और जो बचा हुआ था वो मैंने इसमें भर के रख दिया था। तो बीच वाली खिड़की मैंने अगर अभी इससे साफ़ की है तो वो अलग आपको साफ़ दिख रही होगी, और ये इससे मैं किनारे वाली साफ़ कर रही हूँ। मैं मतलब ये बता रही हूँ कि देखिए इससे कितना साफ़ होता है, अंतर खुद ही दिख रहा है जो अभी मैंने साफ़ कर दी है उसमें। तो क्योंकि यहाँ पे हम किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं, बर्तन धुलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, जिससे कि यहाँ दाग लग जाते हैं, तो इससे आसानी से आराम से साफ़ कर सकते हैं। बीच बीच में इन्हें साफ़ करते रहो, डेली हाथ मारते रहो, कभी दाग जैसे ज़्यादा लग जाते हैं तो इससे साफ़ कर दो। और ये बालकनी का सिंक के जस्ट बगल में गेट है, उसको भी मैंने इससे ही साफ़ किया, तो वो भी कितना चमक रहा है ना, एकदम क्लीन क्लीन सा, तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, इसलिए मैंने भर के रख दिया है। किचन में तो मैं हाथ से ही पोछा लगाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो सब साफ़ किया था तो इधर उधर फैल गया था सब जगह, तो हाथ से अच्छे से लग गया है। और बाकी जगह मैं पोछे से लगा ले रही हूँ फटाफट से। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं दो दो बार लगा देती हूँ, एक बार अच्छे से लगा दिया, फिर सूखा पोछा अच्छे से फेर दो, एकदम चमक जाती है फर्श। तो मॉर्निंग की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। और जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे हमें लगातार काम करना है, कुछ भी साफ़ सफाई का कुछ भी,
तो साथ साथ में ना धीरे धीरे अपना गाना गुनगुनाते रहो ना, तो काम बहुत अच्छे से होते हैं ना, और अपने अंदर एक एनर्जी भी बहुत अच्छी आती है। अगर कभी कभी लगता है ना कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो आप टीवी चला लो और फिर टीवी की आवाज़ सुनाई देगी, आपकी कम सुनाई देगी, तो फिर ऐसा लगेगा ना कि हम भी अच्छा गा रहे हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मेरे साथ यही होता है। तो अयान को भी नहला धुला दिया है, मैं भी अभी नहा के जस्ट पूजा करके आ रही हूँ, और आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा वाला स्पेशल नाश्ता बनाऊँगी और बहुत झटपट से बन के तैयार होगा। गेहूं के आटे से यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है, इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें डलेंगी, तो वो सब भी करूँगी अभी मैं। इसमें मैं ये चार पीस आलू है जो कि बॉयल आलू है, मैंने सब्जी के लिए बॉयल किए हैं आलू, और साथ में ही मतलब एक साथ दोनों के लिए कर लिए हैं, और इनको कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। तो ये ग्रेट किए हुए आलू डालूंगी और इसमें दो टमाटर भी ग्रेट करके ही डालूंगी इस तरीके से कद्दूकस से। तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना इस नाश्ते का, कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने ये किस चीज़ से बनाए हैं, आटा है क्या है, इतने नरम पराठे, पराठे नहीं आटे के चीले बनते हैं। और उस दिन मैंने जो बनाए थे दूध से आटा लगा के, मैदा लगा के, वो भी बहुत टेस्टी बने थे, लेकिन एक बार ये ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी नाश्ता है। इसमें एक चीज़ ये है ना कि आपको किसी एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसमें और क्या डाल दिया है, ग्रेट करके थोड़ा सा गाजर डाल दिया है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नहीं सॉरी खड़ा जीरा ही डाल दिया है, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और बस इन सबको पानी से अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। और मैंने यहाँ पे इसको बड़े बाउल में कर लिया है, वो बाउल छोटा पड़ रहा था तो अच्छे से मिलाते नहीं बन रहा था, घोल नहीं बनाते बन रहा था। तो बस ये हो गया है तैयार घोल, मैंने नॉनस्टिक तवा रख दिया है गैस पे, और बस इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। सबसे अच्छी बात ये ना कि इसमें इतना ज़रा सा तेल लगता है ना, आप पराठे बनाते हो पूड़ी बनाते हो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें ऑयल बहुत कम लगता है लेकिन नरम बहुत बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच थोड़ा बैटर डाला है, उसके बाद हाथ में पानी लगा के, सूखे हाथ से नहीं वरना हाथ में गर्म लगेगा, बस हाथ में थोड़ा सा पानी लगाना है तो आटा चिपकेगा भी नहीं, और ऐसे गोल गोल शेप पे ऐसे फैला लेना है इसको। और ये चीला बन गया, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा बैटर है, थोड़ा सा थिक है, तो ये चमचे से नहीं फैलेगा, क्योंकि इसमें आलू भी है और क्या कहते हैं टमाटर भी है, इसलिए थोड़े हल्के से ऐसे मोटे मोटे बनेंगे और हाथ से बहुत अच्छे से फैलाते बन जाते हैं, और बस उलट पुलट के चारों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेंगे, और ये बन के हो गया है चीला तैयार। तो देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है देखने में, और सच में खाने में भी बहुत यम्मी होता है, बहुत ईजी होता है बनाने में, और आप बाकी तो देख ही रहे हैं। और जैसे बड़ा करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा बैटर डाल दिया, बड़ा फैला के बना सकते हैं, लेकिन इसको बड़ा ना बनाएं तो ही ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये होता है जब मैं बड़ा चीला बनाती हूँ ना तो मुझे पलटने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से सारे चीले मैंने बना लिए हैं, और इनको तो गरम गरम ही खिला दिए मैंने, जैसे जैसे सेकती जा रही थी वैसे ही वैसे खिला दिए हैं, तो गरम थोड़े से रखे रहें तो भी अच्छे लगते हैं। तो एक बार मेरे कहने से आप इसको ट्राई करिएगा, घर पे सबको खिलाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे, मज़ा आ जाएगा खा के। तो और हम लोग भी खाएंगे अभी। तो इस तरीके से ये लग गई हमारी थाली भी, और एक जो बड़ा चीला बनाया था ना मैंने, वो रखा है साइड में कटोरी में, ये देखिए, क्योंकि इसको पलटने में थोड़ा सा टूट गया था मुझसे। और ये लीजिए, ये टेस्ट करके देखिए कैसा लग रहा है, खा के बताइए। इसके साथ आप अपने मन की चटनी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया है आप लोगों ने बता दिया, मैंने ही खा लिया उसे। तो यहाँ पे हमारा भी अब हो जा रहा है ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था दी ब्रेकफास्ट जरूर करा करिए। तो ये देखिए इनको गाड़ी चलानी काफ़ी हद तक आ गई है, 3-4 दिन पहले का वीडियो है जो इनने बनाया है सीखते हुए, तो अब तो और इम्प्रूवमेंट हो गया है। रोज़ सुबह सुबह 6:30 बजे निकल जाते हैं ऑफिस से पहले सीखने के लिए, और यहाँ पे चल रही है हमारी शाम वाली चाय। ये एक ऐसा टाइम होता है जब पूरी फैमिली बैठ के हंसी मजाक चाय चलता है, यही तो लाइफ है यार, बाकी लाइफ में रखा क्या है, क्या पैसा और शोहरत, ये सब सेकेंडरी चीज़ें होती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? Alright, so here is my new look with my hairs cut and rather trimmed. Anyways, एक बहुत जरूरी सूचना, information, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए,
क्योंकि इस COVID-19 के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और रिकवर्ड हो चुका है, क्या वो फिर से इन्फेक्टेड हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि WHO की रिसेंट प्रेस रिलीज के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ है, रिकवर्ड हो चुका है, तो उसमें एंटीबॉडीज सिर्फ 3 महीने तक ही रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि 3 महीने के बाद पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो व्यक्ति दोबारा से इन्फेक्टेड हो सकता है। सो वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इस समय तो इंटर के और हाई स्कूल के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां जिनके रिजल्ट्स आए हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके किसी कारणवश मार्क्स इस बार कम रह गए हैं, तो उन लोगों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स बुद्धिमत्ता और सफलता का पैमाना नहीं होते हैं। अगर आप मेरी बात करेंगे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स मेरे से कम थे और आज वो मेरे से कई ज्यादा ऊपर हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके मार्क्स मेरे से ज्यादा थे लेकिन वो फिर भी मेरे से नीचे हैं। और जितने भी पेरेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हम सभी लोगों के साथ में हैं। तो मार्क्स जो हैं कभी भी सफलता का पैमाना नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, एक प्राउड फील होता है उन्हें, तो उस प्राउड में अपने रिश्तेदारों दोस्तों को बताते हैं कि बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इससे होता क्या है कि जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं उनके ऊपर एक तो दबाव बन जाता है घर वालों का, और दूसरा क्या होता है, दबाव तो बनता ही बनता है, दूसरा वो हीन भावना का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसा मैंने खुद प्रैक्टिकली होता देखा है बच्चों के साथ में। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना अच्छी बात है, लेकिन अप्रिशिएट करते समय हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं वो हीन भावना का शिकार ना हो। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कंपैशन सिखाएं, उनको दया भाव सिखाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत हो गई बातें, और अभी मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, मतलब कुछ अच्छा जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो से यही बोलते हैं आपको बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करिए, प्लीज लाइक करो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है इसको भी, और मैं भी ऑफिस के बाद, मुझे भी ऑफिस से आने के बाद बैठा लेती है, मुझे भी मेहनत लगती है। कहाँ बैठा लेती है, खुद बैठते हो आके बैठा लेती है। तुम्हारा खुद मन करता है सबसे बात करने का, झूठ मत बोलो। हाँ, मेरा मन करता है, अगर कुछ पता चलता है तो मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। हाँ, तो फिर एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है, जाहिर सी बात है। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस, न्यू ब्लॉग्स आपको डेली डेली ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।